हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो लव क्राइम की क्लास है और यह आपकी जो लास्ट क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, आपका कौन कौन क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपका यह है कि जमानत क्या है, किन मामलों में जमानत ली जाएगी और अजमानती अपराध की दशा में कब आपकी जमानत ली जाएगी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा आपका क्वेश्चन जो बनता है, निर्देश और पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट करो, अंतर यहाँ पे आपका पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सदन न्यायालय में किसी वाद के विचारण की प्रक्रिया को समझाइए। सदन न्यायालय जो आपका होता है, ठीक है, उसके जो है कोई वाद होता है तो वहाँ पे विचारण जो होता है उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे समझाने की बात, और सदन न्यायालय के अधिकारों का वर्णन करो इसकी बात यहाँ पे बताई गई, क्या होता है उसको बताओ। आरोप से आप क्या समझते हैं, आरोप क्या होता है, यह भी आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का वर्गीकरण करो और उनकी शक्ति का जो है वहाँ पे लिखो। गिरफ्तारी का क्या अर्थ है और वारंट जो है, बिना वारंट के एक पुलिस अधिकारी आपको कब गिरफ्तार कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो भरण पोषण का क्वेश्चन बन सकता है, धारा 125 से रिलेटेड। ये आपके 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में आपको जो है 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलने के चांसेस होंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जाँच और अन्वेक्षण में अंतर, समन और वारंट में अंतर, समन और वारंट में क्वेश्चन अगर जो बनता है तो आपका यहाँ पे जो है ये लॉन्ग में भी बन सकता है, ठीक है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध और जमानती तथा अजमानती अपराध, जांच एवं विचारण, ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें जो है अंतर आपसे पूछा जा सकता है। और भी आपका क्या क्वेश्चन है, आपका न्यायिक कार्रवाई क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। FIR, सर्च वारंट, मजिस्ट्रेट को दंड देने की जो है शक्तियाँ क्या होती हैं, मजिस्ट्रेट के प्रकार, अन्वेक्षण, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ठीक है, अग्रिम जमानत, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। ये जो आपकी धाराएं हैं तो धारा जो है 2 से, धारा 2 में आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, 6 में आपका दंड न्यायालय के वर्ग दिए गए हैं, 7 में प्रदेशिक खंड दिया गया, धारा 8 में महानगर क्षेत्र, धारा 9 में आपका सेशन न्यायालय। मान लीजिए आपका सेशन न्यायालय का क्वेश्चन बनता है और धारा 9 आपको याद होती है तो वहाँ पे आप वहाँ पे लिख देते हो हाईलाइट करके, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा जो है नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। धारा 10 आपका सेशन न्यायालय का अधीनस्थ होना, मतलब उसके जो है अधीनस्थ होना के बारे में बताया गया, ठीक है। धारा 11 आपका, ये सारी जो धाराएं हैं ये आप एक बार इसको देख लेना, ये आपकी इंपॉर्टेंट धारा है, जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें अगर जो धाराओं को इंक्लूड कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चन राइटिंग में, ठीक है। और क्वेश्चन राइटिंग में जो है इंपॉर्टेंट हो जाना ये धारा लिखना, वार लिखना, तो आपको नंबर बढ़ने के वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। ये आपकी धाराएं हैं, ठीक है, धाराएं आप यहाँ पे लिख लेना। धारा 125 आपका जो है भरण पोषण के लिए दिया गया है, धारा 130 आपका जमाओं को तितर बितर करने के लिए बताया गया है, ठीक है। इस तरह की आपकी यहाँ पे धाराएं हैं, धाराएं यहाँ पे आप देख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो आपका सिलेबस जो है धारा 6 से स्टार्ट होता है। धारा 6, धारा 6 में आपका दंड न्यायालय के वर्ग को बताया गया है, धारा 6 में, ठीक है। तो पहले आपका क्या होता था, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो है राज्य सरकार एवं कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय न्यायिक न्यायालय होते हैं, इन्हें राज्य सरकार के राज्य सरकार रखती है, ठीक है। और उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो है राज्य शासन के नियंत्रण में रखा जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो है उच्च न्यायालय में रखा जाता है उनके नियंत्रण में, और कार्यपालक को जो है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उनको राज्य सरकार के अधीनस्थ मतलब नियंत्रण में रखा जाता है। पहले प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हुआ करता था लेकिन अब उसके स्थान पर हम लोग महानगर मजिस्ट्रेट को पढ़ते हैं। ये दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या बताए, जो आपका कार्यपालक होता है मजिस्ट्रेट, ठीक है, कार्यपालक, ठीक है, वो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर कार्यपालक अगर जो बात करते हो तो ये सिंपल सा कौन सा आता है, इसमें DM आता है, SDM आता है, तहसीलदार आता है, ये सारे लोग जो आते हैं इनका जो है इनके ऊपर किसका जो है वो नियंत्रण होता है, इनके ऊपर आपका राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। अदर जो आपके जो है मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ऊपर आपका हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। अब न्यायालय की अगर जो बात करते हैं तो न्यायालय क्या होता है, देखो तो दो पक्ष जो होते हैं उनके बीच के जो है निर्णय को जो सही से निर्णय, सही से मतलब उनके बीच के निर्णय देने के स्थान जो होता है विधि के अनुसार उसे न्यायालय कहते हैं। न्यायालय आपका सेशन न्यायालय होता है, सेशन न्यायालय जो है आपका और कौन सा न्यायालय होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, ये आपके दो वर्ग में आते हैं, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग। फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं,
आप विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ठीक है, ये आपके इस तरह से आपके न्यायालय होते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय, उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ठीक है, और लास्ट आपका कौन सा होता है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ये जो है न्यायालय की अगर जो आप लिस्ट याद कर लेते हो तो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि न्यायालय आपके जो है कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप यहाँ पे याद कर लेना। अगला आपका है देखो मजिस्ट्रेट क्या होता है। मजिस्ट्रेट दो तरह से आपका डिवाइड होता है, एक आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपका कौन, इसके ऊपर जो है किसका, राज्य सरकार का जो है नियंत्रण होता है, इसके ऊपर जो है हाईकोर्ट का नियंत्रण होता है। कार्यपालक में आपका कलेक्टर, अपर कलेक्टर या SDM और आपका तहसीलदार आता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट में आपका मुख्य मजिस्ट्रेट, अपर मजिस्ट्रेट, सहायक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट आते हैं। ठीक है, इसमें कितने आते हैं, आपके 7 आते हैं और यहाँ पे आपके 4 आते हैं। तो इनकी लिस्ट जो है, इनका आपको नाम को याद रखना है। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको धारा 9 में रखा गया है। प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय को जो है बनाना, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय को बनाना होता है। किसे बनाना होता है, राज्य सरकार को बनाना होता है। प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय को बनाना होता है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन उनके जज की जो नियुक्ति करता है वो आपका हाईकोर्ट करता है। आर्टिकल 236 के अंतर्गत आने वाले न्यायाधीशों के जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी हाईकोर्ट के ऊपर होती है। 236 में आपके कौन कौन से न्यायाधीश आते हैं, कौन कौन से आपका आते हैं, तो आपका जिला न्यायाधीश आता है, सेशन न्यायाधीश आता, अपर सेशन न्यायाधीश आता, सहायक सेशन न्यायाधीश आता और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आता है। ठीक है, ये आपके जो है आर्टिकल 236 के अंतर्गत ये आपके आते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हाईकोर्ट का आपका नियंत्रण रहता है। अगला आपका पॉइंट है कि सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, ये दोनों जो होते हैं वो सेम कैटेगरी के होते हैं, और ये जब सेम कैटेगरी के आपके हो सकते हैं तो यहाँ पे जो है अपर सेशन न्यायाधीश आपका पीठाधीश भी हो सकता है। ठीक है, और स्थान बदलने से जो है न्याय में कोई आपका असर नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई स्थान आपका दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली की बजाय वहाँ पे कहीं अन्य जगह पे जो मान लो फैसला हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ का जहाँ पे, तो उसके जो फैसले अन्य जगह से हो जाने से उसका जो है क्या होगा, उसका जो है जो निर्णय आया होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। इंदिरा हत्याकांड में जो है इस टाइप का आपका क्वेश्चन उठा था, वहाँ पे जो है तिहाड़ जेल की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पे न्यायालय जो न्याय जो आपका हुआ था वो दूसरी जगह पे हुआ था, तो उसके लिए जो है इंदिरा हत्याकांड आपका फेमस है। पालनपुर वाद एसोसिएशन बनाम हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ये भी आपका इसी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे निर्णय लेने के लिए जगह को चेंज किया गया था। ठीक है, फिर भी जो है यहाँ पे इसका कोई भी मैटर नहीं करता कि आप अगर वहाँ पे प्लेस को चेंज करते हो तो वहाँ पे आपका निर्णय पे कोई असर हो, आपका निर्णय पे कोई असर नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है सेक्शन दस आपका है कि सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, जो आपके सहायक होते हैं किसके, सेशन न्यायाधीशों के, उनका अधीनस्थ कैसे होते हैं, उनके नीचे कैसे काम करते हैं। सेशन न्यायालय जो है आपका अपने अधीनस्थ को काम दे सकता है, कोई भी जो है सीनियर होता है तो सीनियर अपने जूनियर को काम दे सकता है। सेशन न्यायाधीश को अधीनस्थता संहिता में कहीं उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ये चीज कहीं भी आपका जो है CPC में उल्लेखित, CRPC में उल्लेखित नहीं है। अगला आपका पॉइंट है धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बताया गया है। देखिए इनमें बताया गया है कि प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक आपके मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना और उनकी नियुक्ति के बारे में ये बताती है। ये धारा कौन, न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होते हैं उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थापना और उनकी नियुक्ति के बारे में बताती है। कौन सी धारा, 11। धारा 12 आपका कहती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट का कैसे क्या होता है उसको देखते हैं। महानगर से भिन्न प्रत्येक जिले में आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। इसकी नियुक्ति जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, इसकी नियुक्ति आपकी हाई कोर्ट करता है। पीठासीन आपका जो होता है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। ये प्रथम श्रेणी का आपका व्यक्ति होता है और न्यायिक शक्तियां इसके पास होती हैं। किसके पास, आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, को धारा 12 में बताया गया है।
जब आपका जो हम मजिस्ट्रेट की बात आती है तो आप यहाँ पे पूरी धाराओं को लिखे हुए, और क्योंकि ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो पूरी धाराओं को यहाँ पे लिखोगे, आपका जो है 3 पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर छूट रहा था तो आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 पेज में और शॉर्ट क्वेश्चन आप 1-1.5 पेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको जो है क्वेश्चन अगर जो 3 + 3 करोगे तो आपका 6 और 10 मतलब 16, 16 पेज तो मिनिमम आपके भर ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा आपको लिखने की कोशिश करना है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो है लगभग जो है सेम स्तर का होता है, ठीक है। सेम स्तर का हो या ना हो ये आपका एक जो है पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, उनके पास अगर तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है तो उनके चीजों को जो है अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके काम को देखता है। धारा 13 में आपका विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया गया, धारा 15 में आपका जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधीनस्थ होना बताया गया। ये सारी धाराएं हमने ऑलरेडी आपको ऊपर लिखवा दी हैं, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। धारा 20 आपका है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। हम लोगों का जो है दो तरह से आपके मजिस्ट्रेट थे, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट एक आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आप में जानते हैं आप लोग जो है डीएम एसडीएम कलेक्टर आते हैं, ठीक है, और इसमें तहसीलदार आते हैं। प्रत्येक जिला एवं महानगर को आवश्यकता अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायालय बनाए गए हैं, ठीक है, बनाने होते हैं, नियुक्त करने होते हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सकती है। प्रत्येक उपखंड में एक भार साधक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकेगी और एक उपखंड में एक ही उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकेगा। एक उपखंड में एक ही उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकेगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए 2 जिला है तो 2 जिला में एक आपका डीएम हो सकता है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट 3 लोग आपके आते हैं, कहाँ पे, एक जिले के अंदर। 2 जिले में आपका एक जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है। नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ पे आपका सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पहले तो आपका मजिस्ट्रेट वाला हो गया, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, न्यायालयों की शक्ति आपका क्या होती है। न्यायालयों की शक्ति के बारे में पढ़ते तो न्यायालय जो है क्या करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को जो है निवारणार्थ निषेधात्मक प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक वहां पे दंड दे सकता है। 4 टाइप के आपके दंड होते हैं, ठीक है। निवारणार्थ आपका होता है तो यहाँ पे ज्यादातर आपका निवारण दिया जाता है। निषेधात्मक जो आपका यहाँ पे निषेध जो है चीजें दी जाती है, निषेध दिया जाता है। प्रतिकारात्मक आपका होता है प्रतिकार लेने के, और सुधारात्मक आपका सुधार चीजों में सुधार है उसके लिए। तो पहले आपका जो है प्रतिकार लेने के लिए जो है ज्यादातर न्याय होते थे, लेकिन अब जो है आपका सुधार के लिए जो है आपका मुख्य जो है उद्देश्य जो होता है वो सुधारात्मक होता है, कि कोई भी वहां पर दंड आपको मिलता है वो आपका सुधारात्मक होता है, कोई भी आपका जो है प्रतिकर की भावना से आपको दंड नहीं दिया जाता है। धारा 26 आपका कहता है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, इसको धारा 26 में बताया गया है। आप लोग जानते हैं कि जो है आपका न्यायालय कौन कौन से हो सकते हैं, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायालय, ये लोग आपके जो है विचारण कर सकते हैं किसी भी मैटर को। तीनों आपकी इनके जो शक्तियां होती वो समवर्ती होती हैं, एक दूसरे की शक्तियां का यूज करते हैं, लेकिन सारी शक्तियां वहां पे समवर्ती नहीं होती, वहां पे आपका अंतर होता है। केस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कोर्ट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप केस कहीं पर भी ले जा सकते हो, लेकिन जो केस आपका है जिस टाइप का केस है आप उसी कोर्ट में ले जाते हैं, तो वहाँ पे कम टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्दी आपको वहाँ पे निर्णय हो जाता है, ठीक है। धारा 27 आपका किशोरों के मामले में जो है अधिकारिता बताया गया, और धारा 28 आपका दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेगा उसके बारे में धारा 28 बताती है। उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकेगा जिसके द्वारा विधि वहां पे बनाई गई हो। सेशन न्यायालय भी कोई भी दंडादेश दे सकेगा, लेकिन मृत्यु दंड जब वो देता है तो वहां पे उसकी पुष्टि हाई कोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ठीक है। सहायक आपके जो है जो सहायक जो न्यायालय होते हैं वो आपके सभी दंड दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड और 10 वर्ष से अधिक सजा आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जो हम एक मात्र कहानी की तरह जो है बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर जो आपको नहीं क्वेश्चन याद आ रहा है, आंसर नहीं याद आ रहा, तो आप वहाँ पे कहानी के रूप में कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिखोगे, तो वहाँ पे आप लिखना, ठीक है, बनाकर, क्योंकि यह एक शॉर्ट पॉइंट में हमने बताया है और शॉर्ट पॉइंट में यही आपका सार है इस चीज़ का। दंड कम कर दिया जाना, देखो बहुत सी चीज़ों का ये है, जैसे आपका केस मान लीजिए बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है,
कि कोर्ट सोचता था कि हम यहाँ पे इतने लॉन्ग टाइम से ये केस चल रहा है, तो यहाँ पे इसको जो दंड मिलना चाहिए उसको हम कम कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जो है ये केस चल रहा है। तो हाई कोर्ट ने बोला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड अगर जो आपका ज़्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे दंड को कम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम मतलब केस को लंबा चलना ये आधार नहीं होता है कि किसी केस की जो है सजा को कम कर दे। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब इसके रूप में भी आप कहानी लिख सकते हो, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम राजू, ये आपका केस जो हुआ था, आपका दंड सुधारात्मक अथवा निवारणात्मक होना चाहिए, इसके बारे में ये चीज़ बताई गई थी। वहाँ पे आपका मान लो लंबे समय से केस चल रहा है, तो वहाँ पे सहानुभूति देकर आपको वहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे केस मतलब जो है दंड को कम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो है न्याय पद्धति का वहाँ पे अहित होता है। अगर जो आप दंड को कम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, न्याय पद्धति का अहित होता है। क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पे है, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ठीक है, तो धारा 29 में यह बताया गया। अब धारा 29 में यह बताया गया, लेकिन उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से दंड के आदेश होते हैं जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन, पहला मतलब पॉइंट यहाँ पे लिखोगे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका कौन कौन से दंड दे सकता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आपको दंड दे सकता है वही आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है दंड दे सकता है। तो ये दोनों आपके सेम दंड दे सकते हैं, और सेम दंड आपका क्या क्या, सारे दंड दे सकते हैं लेकिन मृत्यु दंड नहीं देंगे, आजीवन कारावास नहीं देंगे, 7 वर्ष से अधिक सजा नहीं देंगे, ये लोग इनके पास इतनी शक्ति होती है, आजीवन कारावास नहीं दे सकते, 7 वर्ष से अधिक सजा नहीं दे सकते, मृत्यु दंड नहीं दे सकते। कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अब आते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट पे, ये आपका जो मजिस्ट्रेट होता है ये महानगर मजिस्ट्रेट के बराबर जो है दंड दे सकता है, इन दोनों का सेम जो दंड देने का अधिकार होता है, और दंड देने का जो अधिकार है वो आपका 3 वर्ष तक कारावास दे सकते हैं और ₹10,000 तक जुर्माना के लिए दंडित कर सकते हैं। द्वितीय वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है वो आपका 1 वर्ष तक दंड कर सकता है और 5 वर्ष तक हर्जाना देने के लिए कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 30 हम लोग अब देखते हैं, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसको जुर्माना जो है 5,000 बोला गया, ठीक है, और 6 माह की सजा बोला गया, तो मान लीजिए जो 6 माह की सजा जो दे रहा है लेकिन 5,000 जुर्माना नहीं दे पा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, उसके बारे में धारा 30 आपका प्रावधान करती है। तो धारा 30 प्रावधान यह कहते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति ₹5,000 जो वहां पर नहीं दे पा रहा हो, जुर्माने की राशि नहीं दे पा रहा है, तो उसके जो है उस चीज को मतलब उसकी सजा को बढ़ा दो, सजा को बढ़ा दो, लेकिन सजा आपकी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती जैसे जितना मजिस्ट्रेट को अधिकार से बाहर हो। जैसे किसी मजिस्ट्रेट को 1 साल की सजा देने का हक है, ठीक है, तो वह मान लो 9 महीने की सजा दे चुका है और बोला ₹5,000+2, तो जो क्या हो सकता है, तो वहां पे 9 महीने की सजा तो काटेगा ही पर्सन, लेकिन ₹5,000 अधिक देने पर मतलब वो क्या कि वह जो है मान लो ₹5,000 5 महीने की सजा और दे रहे, तो मतलब क्या होगा, 14 माह की सजा हो गई, तो 14 माह की वो सजा नहीं दे सकता वह व्यक्ति, वह मजिस्ट्रेट आपका 14 माह की सजा नहीं दे पाएगा, यह चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। धारा 29 आपका दंडादेश जो मजिस्ट्रेट आपका देता है उसको धारा 29 में बताया गया है, लेकिन सजा आपका जो वहाँ पे कारावास जो होता है वो तो आपको मिलता ही, मान लीजिए आपका दंड मतलब भुगतान जो करना होता है, जो पैसे को देने होते हैं, वो अगर जो वहाँ पे नहीं दे पाते तो उसको सजा के अकॉर्डिंग उसी अनुपात में आपको वहाँ पे सजा और भी आपकी बढ़ जाती है। धारा 31 में बताया गया, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले धारा 31 में बताए गए, ठीक है। धारा 32 आपका है शक्तियां प्रदान करने का ढंग, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी चीज होता है जो आपको शक्तियां प्रदान करता है वो आपकी शक्तियां ले भी सकता है। मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां जो प्राप्त की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, वो आपका राज्य सरकार और हाई कोर्ट प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट के जैसे नाम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको शक्तियां दी जाती हैं, और उनके जो है जो हैसियत होती है, जो उनके पद की हैसियत होती है उनके अकॉर्डिंग उनको शक्ति दी जाती है। प्रभावशाली वो जब होती है जब वह अधिसूचना जारी कर देता है, कौन आपका गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करता है, तब उनकी जो उन शक्तियों का प्रभावशाली होता है। धारा 33 में यह बताया गया कि नियुक्त अधिकारियों की शक्ति, जो व्यक्ति वहां पर नियुक्त किए गए हैं उनकी शक्ति कैसे है, जो जैसा अधिकारी होता है उसको वैसे शक्ति दी जाती है, जिसके पास ज्यादा पावर उसको ज्यादा जो है शक्ति दी जाएंगी। अवकाश पर कोई भी व्यक्ति अगर जो होता है तो उसके पास शक्ति कोई नहीं होती है, ये चीज यहाँ पे बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। धारा 34 आपका है शक्तियों को वापस लेना, तो कोई भी पावर आपको दी जाती है तो पावर वापस भी ले जा सकती है, लेकिन पावर वापस ले कैसे ली जाएगी वो देखिए,
पद से आप त्याग दे दो, सेवा मुक्ति हो जाओ, या फिर आपके क्षेत्र ना हो। जैसे आपको जो है बोला गया कि इंडिया के अंदर जो है आपको ये पावर दी गई है, लेकिन आपका जो है वहाँ पे ट्रांसफर जो है नेपाल में कर दिया गया, तब वो आपको पास वो शक्तियाँ नहीं रह जाएंगी ना, क्योंकि वो आपका क्षेत्र से बाहर हो जाता है। अगला आपका पॉइंट है, जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो व्यक्तियों की गिरफ्तारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यहाँ पे देखते हैं व्यक्तियों की गिरफ्तारी, देखिए आर्टिकल 21 आपका कहता है कि सबको मौलिक अधिकार दिए गए। आर्टिकल 21 आपका कहता है कि यह आपका एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार यह है कि व्यक्ति को जीवन जीने की आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता है तो जो है आप स्वतंत्रता का पालन करो, लेकिन अगर जो आप गलत काम करते हो तो आपको वहां पे जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है उसमें आपका पाबंदी होगी, पाबंदी आपका जो है गिरफ्तारी के रूप में हो सकती है, अगर जो आप अलीगल काम करते हो, ठीक है। लीगल काम करते हो तो आप स्वतंत्रता है, आप चाहे जैसे घूमो, लेकिन अगर जो आप वहां पे गलत काम करते हो जो विधि में नहीं दिया गया है, जिसको विधि में वर्जित किया गया है, तो उसके लिए आपको जो है क्या हो सकता है, आपको कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो आपका एक तरफ से जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अवैध तरीके से आपका गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, गिरफ्तारी के लिए उचित कारण होना चाहिए, गिरफ्तारी के अधिकार का आप जो है दुरुपयोग नहीं हो सकता, और गिरफ्तारी जो व्यक्ति होता है उसमें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ऐसी चीजें आपकी गिरफ्तार व्यक्ति में होती है। गिरफ्तार व्यक्ति के जो अधिकारों की अगर जो बात करते हैं तो उसके अधिकार ये होते हैं कि सामान्यतः जो गिरफ्तार व्यक्ति जो है वारंट के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन निम्न कंडीशन होती है जिसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे वो कौन सी कंडीशन होती है उनको हम यहाँ पे देखते हैं, जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है तो उनको किस कंडीशन पे हम जो है गिरफ्तार करते हैं। आपका जैसे कोई भी चीज है गृह भेदन, जैसे आपका जो है आपके घर में जो कोई औजार वगैरह छुपा के रखे हो, तो उसके लिए भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। आप कोई प्लान बना रहे हो, जैसे कि जो जहाँ पे आप प्लान बना रहे हो कि किसी को नुकसान पहुंचाना है या फिर जो है देश को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, इस बात का अगर जो सबूत मिलता है तो वहां पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीजों के लिए जो है वारंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो किसी पुलिस अधिकारी की जो कर्तव्य का निष्पादन करने में जो बाधा डालता है उसमें भी आपको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। चीज को जो है मान लो आपके ऊपर संदेह दिया रखा गया कि ये चीज आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ आपको जो है करना उचित नहीं है, तो वहां पे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे हैं, इस पॉइंट के अनुसार आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। दोष सिद्धि पर होने पर आपका जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको गिरफ्तार किए गए हैं, जिसको गिरफ्तार किए जाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित या फिर मौखिक अनुदेश प्राप्त किया जा चुका है, इस शक्ति का प्रयोग करके वह जो है उसको गिरफ्तार के, इन सारे चीजों को जो है यूज करके आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इन सारे चीजों को आप पॉइंट में स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, बिना जो है अगर जो कोई भी व्यक्ति होता है तो आपको जो है गिरफ्तार जो करता है तो गिरफ्तार तो करेगा वो तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तार करने वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो आप वहां पे गिरफ्तार हुए हो तो आपके जो है अधिकार भी होते हैं, गिरफ्तार पर्सन के अधिकार होते हैं। वो क्या अधिकार होते हैं इनको हम यहाँ पे देखते हैं, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार की अगर जो बात करते हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, ये सिंपल सा चीज है, आपको अगर जो गिरफ्तार किया गया है तो आपके फैमिली वालों को, आपके जो है दोस्त को, इष्ट मित्रों को बताना होगा, पुलिस को किसी ना किसी को सूचना देना होगा कि आपका पर्सन को हमने गिरफ्तार किया है, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास यह भी अधिकार होता कि अपने अधिवक्ता के साथ में जो है वह जो है बातचीत करे, इसका जो है उसके पास अधिकार होता है, उसके साथ मिलकर अपने चीजों का बयान वो दे, ये भी उसके साथ अधिकार होता है। किसी महिला को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम के रीलों में सबसे ज्यादा देखा होगा कि महिला को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, शाम के मतलब 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। महिला गिरफ्तार करने के लिए आपका जो कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल होना जरूरी हो, ये सारी चीजों आपने खूब जो है इंस्टाग्राम में देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है उसको हम बताते हैं। रियल लाइफ में 24 घंटे में आप महिला को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हो, नंबर एक पे। नंबर दूसरी पे कि महिला गिरफ्तार करने के लिए, किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस नहीं है, महिला पुलिस नहीं है फिर भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पुलिस पूरी कोशिश कर रही हो कि वहां पे महिला पुलिस उपलब्ध कराई जाए, लेकिन महिला पुलिस नहीं उपलब्ध हो रही है, तो वहां पे पुलिस
पुलिस जो है लिखित रूप में जो है इस चीज को देगी कि महिला पुलिस नहीं उपस्थित हो पाई, लेकिन जो है इसको गिरफ्तार करना बहुत ही जरूरी था, इस कारणवश हम इस महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो महिला की गिरफ्तारी भी हो जाएगी बिना महिला कांस्टेबल के, ठीक है, और 24 घंटे में कभी भी हो जाएगी, लेकिन उसका जो है पुलिस को लिखित रूप में देना होगा। ठीक, ये चीज आपका ये हो गया। अगला आपको पॉइंट है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य आपका क्या होता है। अपने नाम के सही प्रकट करना होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो अपने नाम को सही प्रकट करें, और जिस व्यक्ति ने जो है उसको गिरफ्तार किया वो भी आपका अपना नाम सही बताए। गिरफ्तारी के लिए एक ज्ञापन तैयार करेगा कि हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है पुलिस अधिकारी को। हालांकि ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही कम चांस है कि बनने का, ये आपका क्वेश्चन ना ही बनेगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है प्राइवेट व्यक्ति को द्वारा आपकी कब गिरफ्तारी की जा सकती है, इसको देखिए, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस धारा में प्राइवेट व्यक्ति की बताई गई, धारा 43 में आपका प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी जो जो है बिना वारंट के भी जो है गिरफ्तार कर सकता है। प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या फिर अजामानती अपराध करे, जो अपराधी घोषित हो उस व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जो पहले से अपराधी हो वो घोषित हो, तो उस व्यक्ति को वहां पे वह कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि आपका गिरफ्तारी हो गया, अगला आपका है पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां। देखिए यहाँ पे बताया गया कि अन्वेषण जिसे अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, न्याय कार्रवाई का एक अहम महत्वपूर्ण आपका अंग होता है एवं उसका प्रारंभिक चरण होता है। अनुसंधान जो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य अपराध के तथ्यों का पता लगाना होता है, उसकी छानबीन करना होता है। जब भी किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी अपराध के कारित होने की FIR प्रस्तुत की जाती है, और यदि ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होता है तो तत्काल अन्वेषण प्रारंभ कर सकेगा। अन्वेषण के दौरान वह किसी साक्षी को अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए पूछताछ करने के लिए बाध्य कर सकता है। इतना ही नहीं, अन्वेषण के दौरान वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके तलाशी भी लिया जा सकता है, उसका सामान को जब्त करने की वह शक्ति रखता है। कौन? पुलिस अधिकारी। अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के लिए प्रक्रिया जो हम देखते हैं वो आपका धारा 157 में बताया गया है। तो 157 में आपका ये बताया गया है कि जैसे कोई भी अधिकारी ही वो इन्वेस्ट आपका इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस अधिकारी करेगा, ठीक, या पुलिस अधिकारी ने आपका इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस किया, इसके बाद जो इसकी जो रिपोर्ट ये तैयार करेगा पुलिस, ये सीधे आपका मजिस्ट्रेट को नहीं देगा, इसके बीच में एक अधीनस्थ अधिकारी होगा, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट जो है अधीनस्थ अधिकारी को देता है, अधीनस्थ अधिकारी उसमें जो है चीज़ों को एड ऑन करके कम ज़्यादा करके वो फिर मजिस्ट्रेट को देता है, मजिस्ट्रेट उस चीज का जो है जांच करता है, चेक करता है, ठीक है। ये आपका अन्वेषण के लिए एक आपकी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसको आप जो है चार्जशीट बोलते हो कि चार्जशीट वहां पे भेजी गई, ठीक है, अपनी रिपोर्ट को वो भेजता है चार्जशीट के रूप में। इसको 157 में बताया गया, 158 में आपको रिपोर्ट कैसे दी जाएगी इसको बताया गया, ठीक है। अब आपका देखते हैं धारा 161, अन्वेषण या फिर प्रारंभिक जांच आपके करने की शक्ति जो होती है उसको इसमें बताया गया। धारा 157 के अंतर्गत जब पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की रिपोर्ट भेजी जाती है तो उसको बताया गया है, और ऐसी कार्रवाई वह स्वयं करेगा तो इसको धारा 161 में बताया गया है, ठीक है। तो इसकी चीजों को देखते हैं, 157 में आपको पुलिस के अधिकारी के द्वारा जो वहां पे जांच रिपोर्ट भेजी जाती है उसको बताया गया है, और धारा 161 में आपका अन्वेषण या फिर प्रारंभिक जांच की शक्ति को उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, आपका ये आपका अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। अभी सम्मन और वारंट में हम लोग अंतर देखेंगे। यह धारा जो है पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जो दो या फिर दो अधिक से अधिक व्यक्तियों को आहूत करने की शक्ति प्रदान, आहूत मतलब बुलाना, ठीक है, ऐसे बुलाना, ऐसा आहूत किया गया व्यक्ति उपस्थित होने पर ऐसे प्रश्नों के सिवाय
जो उसे आपराधिक आरोप या फिर शासित या फिर उच्छेहन करते हों, अन्य सभी प्रश्नों को सही सही उत्तर वहां पे देने के लिए अबाध्य होता है। यदि पुलिस अधिकारी ऐसे आहूत किया गया कोई व्यक्ति उपस्थित में चूक होता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 175 में दंडित किया जा सकता है। किसी को अगर समन भेजा गया है तो उसको वहां पे उपस्थित होना है और उसको सही सही उत्तर देना होता है। अगर वो नहीं आता है तो धारा 175 के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है मजिस्ट्रेट से परिवाद, मजिस्ट्रेटों से परिवाद। ठीक है, कंप्लेंट आपकी जो होती है उसको मजिस्ट्रेट से जो होती है वहां पे धारा 200 में हम ये चीजें देखते हैं। और ये यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपका लॉन्ग भी कोई क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अपराध से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अगर जो होता है तो वह क्या करता है, वह कार्रवाई करने का अधिकारी होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा अगर जो अपराध से पीड़ित होता है वो वहां कार्रवाई करने का अधिकारी होता है। वह कार्रवाई जो मजिस्ट्रेट के सामने कर सकता है। परिवाद आपका जो होता है कंप्लेन, कंप्लेन किससे करेगा, मजिस्ट्रेट से कर सकता है या फिर वह पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, इन चीजों को धारा मजिस्ट्रेट से परिवाद के बारे में हम उल्लेख करते हैं। अब जो है अगर तो परिवाद की बात नॉर्मली आप लोग ऐसे समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, सॉरी आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे अगर जो परिवाद की जगह पे आप कंप्लेन जो है पढ़ते हो तो कंप्लेंट आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि ये आपको जाना पहचाना हुआ शब्द है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट से आपका जो कंप्लेंट होती है उसको देखते हैं। तो मजिस्ट्रेट से कंप्लेन आपकी जो होती है उसकी परीक्षा देखिए। परीक्षा आप लोग जानते हैं क्या होता है, बयान होता है। ठीक है, और इसमें दो आपके जो है अपवाद रखे गए हैं। नंबर एक पे यदि वह कंप्लेन लिखित रूप में किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन करने किया गया है अथवा न्यायालय द्वारा किया गया है, या फिर यदि मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद को जांच विचारण के लिए धारा 192 के अंतर्गत अन्य मजिस्ट्रेट को अगर जो वह भेजता है तो वहां पे क्या होता है। तो यदि मजिस्ट्रेट किसी परिवाद को धारा 192 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास परिवादी या साक्षियों के परीक्षा करने के पश्चात भेजता है तो मजिस्ट्रेट जिसके पास वह परिवाद जांच के लिए गया है वह पुनः परिवादी को परीक्षा की के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मजिस्ट्रेट है जिसने दोबारा से किसी को भेजा है परिवाद के लिए ठीक है, तो परीक्षा के लिए, तो वहां पे परीक्षा तो होगी लेकिन वहां पे 192 के अंतर्गत वह जो है दूसरे के पास जाएगा तो वह जो साक्षी होगा वह आप जो है परीक्षा करने के लिए वहां पे बाध्य नहीं होगा। ये चीज बताया गया, एक जगह का जो उसकी परीक्षा हो गई तो दोबारा वह परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, धारा 201 में आपको बताया गया कि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो आपका जो है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा है, ठीक है, लेकिन वह जो है द्वितीय मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर उसको हैंडल कर रहा तो वो नहीं कर पाएगा ना, जो जिसका केस उसको उसी के अकॉर्डिंग वहां पे हल करना होता है। यह चीज आप धारा 201 में लिख देंगे। धारा 203 में है परिवाद को खारिज किया जाना। जैसे आपने कोई कंप्लेन लिखा और कंप्लेन जो है आपकी खारिज भी की जा सकती है, तो कंप्लेन खारिज की जाएगी, वो कैसे खारिज की जाए। नंबर एक पे कंप्लेन जो खारिज होगी ठीक है, तो उसका एक कारण लिख के देना होगा मजिस्ट्रेट को। वो कारण आपका जो भी होगा वो मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में देना होगा, तब उसके बाद आपका कंप्लेन को खारिज की जाएगी। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है आदेश का जारी किया जाना। कोई भी मान लो आपने कंप्लेन लिखा और कंप्लेन को लिखा तो उसमें क्या हुआ, कोई आदेश वहां पे पारित हुआ, और जो आदेश जब पारित हुआ तो वो आदेश का हो जाती है, आदेश के रूप में हो जाती है, और उसको जारी जब करता है तो उसको मजिस्ट्रेट जारी करता है, वह आदेश का को जारी किया जाना होता है। उसका मतलब ये होता है कि अपराध को संज्ञान में ले लिया गया है और ऐसे मामले को वहां पे हम आगे बढ़ाते हैं। आदेश का जारी किया जाना धारा 204 में आपका बताया गया है। अगला आपका पॉइंट है आधिकार, इसी चीज में धारा 204 में आदेश का जारी किया जाना। धारा 206 में आपका विशेष अपराधों के मामले में आपका विशेष सम्मन के रूप में बताया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बनेगा। अगला आपका पॉइंट है चार्ज। आपका चार्ज क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है पुलिस अधिकारी होता है, जैसे यहाँ पे मान लो ये एक पर्सन है और इसका पर्सन का मान लो नाम है निम्मो, निम्मो ठीक है, इसका निम्मो नाम है। ठीक है, और
ये आपका एक पर्सन है और इस पर्सन का नाम है आपका गजाला, गजाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाते हैं, एक ये पर्सन है आपका निम्मो, कौन है निम्मो, और दूसरा आपका पर्सन है गजाला, ठीक है। इन दोनों में आपका जो है कोई आपका मैटर हुआ, इन दोनों में कोई आपका मैटर हुआ, ठीक है। अब मैटर हुआ, तो मैटर हुआ होने के बाद क्या होगा, ये लोग एफआईआर करेंगे, कोई भी पर्सन होगा तो एफआईआर ही करेगा, एफआईआर करेगा, ठीक है। तो एफआईआर होगी, तो यहाँ पे एफआईआर होने के बाद आपका जो भी यहाँ पे जांच, ये जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पे जांच करेंगे, ठीक, जांच करेंगे। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पे आपका मजिस्ट्रेट होगा, तो जांच जो करेंगे, जांच की एक रिपोर्ट तैयार होगी, ठीक है, जिसको चार्जशीट बोलते हैं, चार्जशीट, ये रिपोर्ट तैयार होगी। यहाँ पे एक अधीनस्थ अधिकारी होता है, ये रिपोर्ट किसको जाएगी, अधीनस्थ अधिकारी को जाएगी, अधीनस्थ अधिकारी उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को देता है, ठीक है। तो ये जो अधीनस्थ अधिकारी होता है, ये चार्जेस में, चार्ज मतलब आपकी जो जांच, मतलब चार्ज जो होती है, ठीक है, चार्जशीट, इसमें अपना कम ज्यादा करके उसको रिपोर्ट को बढ़वा घटवा सकता है, ठीक है। ये चीज आपका अधीनस्थ अधिकारी के पास शक्ति होती है, और वो आदेश भी पुलिस वालों को दे सकता है कि इसमें और भी जांच की जाए, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, ठीक है। इसी को आपका चार्ज कहते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, तो ये गजाला और निम्मो का आपका यहाँ पे केस था, ठीक है। ये आप यहाँ पे नाम याद रखना, क्योंकि हर एक केस में आपका यहाँ पे गजाला निम्मो ही देखने को मिलते हैं। न्यायालय आपका आरोप परिवर्तित कर सकता है, आरोप परिवर्तित करने का मतलब क्या है, धारा 216 में बताया कि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है धारा 219, यह भी आपका नहीं है। धारा 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, जैसे आपने कोई भी अपराध किया है, और एक साथ और भी अपराध किया है, एक आपका मान लो दीवानी अपराध है, एक मान लो आपका जो सिविल अपराध है, तो एक साथ दोनों अपराधों का वहां पे विचारण हो सकता है, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। लेकिन वो एक ही संव्यवहार के एक से अधिक अपराधों का वहां पे मतलब होने चाहिए, तब वहां पे आपका विचारण होगा, ठीक है। इसके बारे में आप अपने मन से जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, इससे लाइन से आप हटकर जो है वहां पे चीजों को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूर्ण दोष सिद्धि, पूर्ण दोष सिद्धि क्या है, धारा 236, धारा 236 में आपका ये चीज बताया गया है, जैसे कोई भी चीज है तो वहां पे आपका पहले से जो है इंगित किया, पहले से ही इंगित किया कि आप वहां पे दोषी होंगे, उसको आप पूर्ण दोष सिद्धि कहते हैं, इसको धारा 236 में रखा गया है। धारा 239 में आपका, धारा 243 में आपका प्रतिरक्षा का साक्ष्य दिया गया, जैसे कोई भी केस है, मान लीजिए ये आपका केस है, ये जैसे मान लो आपके हैं निम्मो, ठीक, ये आपका निम्मो है और यहाँ पे आपका गजाला है, इनके ऊपर जो है आरोप लगा है कि ये हमको जो है जान से मार डालने की धमकी दिए हैं, और इन्होंने हमारे ऊपर जो जान से मार डालने की धमकी दिया और हमारे ऊपर वार भी किया। अब गजाला क्या कहते हैं, गजाला जो है अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई साक्षी अगर जो प्रस्तुत करती है ना, तो खुद की रक्षा के लिए जो साक्षी प्रस्तुत करती है, वो धारा 243 में आपका बताया गया प्रतिरक्षा का साक्ष्य, खुद की रक्षा के लिए हम जो साक्षी प्रस्तुत करते हैं, उसको धारा 243 में बताया गया है। अब यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका समन और वारंट में आपका क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। समन और वारंट में आपका अंतर क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समन केस आपका जो है अभियुक्त को 2 साल तक कारावास का दंड दिया जा सकता है, समन में आपका 2 साल तक वहां पे कारावास तक दंड दिया जा सकता है, लेकिन वारंट में आपका जो है 2 साल से अधिक वहां पे दंड दिया जा सकता है, ये आपका मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, और आपका जो है ज्यादा जो है 2 साल से अवधि से ज्यादा का केस हो सकता है। संबंध मामले आपका केवल औपचारिक होते हैं, लेकिन वारंट आपका जो है औपचारिक रूप से जो है संबंध में आपका जो औपचारिक रूप से बनाए जाते, लेकिन संबंध मामले आपका औपचारिक आरोप बनाए जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वारंट में आपका औपचारिक जो औपचारिक आपका बनाए जाने की जरूरत होती है। सम्मन आपका जो होता है वो आपका
मामले की शुरुआत अभियुक्त के कथन को लिपिबद्ध लिखे जाने के रिकॉर्ड से किए जाने से होता है, ठीक है। वारंट आपका ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपका लिपिबद्ध जो साक्ष्य होता है उसको होता है। संबंध मामलों में अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने या उसे दोष मुक्त किए जाने के संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जबकि वारंट में आपका संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, ठीक। संबंध मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने का एक मौका मिलता है। प्रतिपरीक्षा मतलब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का एक मौका मिलता है, लेकिन आपका वारंट में ऐसा नहीं होता है। संबंध मामले में परिवादी का शिकायतकर्ता न्यायालय की अनुमति से अपनी शिकायत वापस ले सकता है, लेकिन आपका संबंध में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपका संबंध वारंट को डिफर बनाते हैं। आपका अगला पॉइंट है किन मामलों में जमानत ली जाएगी, वो आपका धारा 436 बताता है, ठीक है। जमानत का क्वेश्चन आपका बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सामान्यतः आपके जो दो तरह से आपके केस होते हैं, एक जमानती होते हैं, एक आपके अजमानती होते हैं। जमानती अपराध निम्न एवं सामान्य प्रकृति के होते हैं, अजमानती आपका गंभीर और संगीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जहां पे आपका जो है निम्न और सामान्य प्रकृति के होते हैं वहां पे आपका जमानत मिल जाती है, लेकिन जहां पे संज्ञेय अपराध होते हैं वहां पे आपको जमानत मिलने में दिक्कत होती है। जमानती अपराधों में जमानत की मांग एक अधिकार के रूप में की जा सकती है। अजमानती अपराधों में जमानत न्यायालय का विशेष का विवेक का विषय होता है कि वहां पे उस न्यायालय पे डिपेंड करता है कि वह आपको जमानत देता है या नहीं देता है। धारा 437 आपका कहती है अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपकी जमानत वहां पे ली जा सकती है। ये धारा 437 आपको बताता है। इस धारा में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जहां पे अजमानती कारित करने पे अब भी आपको जमानत पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ा जाएगा तो पुलिस जब चाहेगी तो आपको वहां पे बुला सकती है, आपकी परीक्षा कर सकती है। जमानत पर छोड़े जाने पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जमानत के लिए आपका विचारणी जो बिंदु वो आपके अपराध की गंभीरता होती है, दंड की मात्रा होती है, साक्ष्यों को तोड़ने की आशंका होती है और प्रथम दृष्टया आपका मामला होता है। ये सारी चीजें आपकी जमानत के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ना लिखना, यहाँ ये हम आपको पूरी PDF आपको सेंड कर देंगे। आप हम जो है टेलीग्राम पर भी इसको डाल देंगे, आप वहां से सारी चीजों को देख सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो। धारा 125 में आपका जो है, 125 में आपका जो है भरण पोषण को बताया गया है। भरण पोषण आपको किसका किसका करना होता है, पत्नी का करना होता है, सामान संतान का करना होता है, माता पिता, इन सारी चीजों का भरण पोषण करने का होता है, ठीक है। तो ये सारे PDF को हम जो है चाहे जो है WhatsApp पे जो है आप चाहना तो उस पर मिल जाएगी, चाहे तो आप जो है टेलीग्राम पे हम डाले दे रहे हैं उसमें आप जो है वहां से ले लेना, हम टेलीग्राम पे डाले दे रहे हैं, ठीक है। वहां से आप इस PDF को ले सकते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू, टेक केयर, और कल का एग्जाम आपका बेस्ट हो। और अगर जो आपको लगता है कि हमने मेहनत की है आपके लिए, ठीक है, कुछ भी अगर जो आपको लगता है कि एक नंबर भी आपका जो है बढ़ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ठीक है। थैंक यू।